दोस्तों आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। बाबा दर्शन न्यूज से मैं इनामुल्ला खान। काराकाट के पूर्व प्रत्याशी और भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह ने मीडिया के सवालों पर क्या कुछ कहा। मैं अभी जा रहा हूँ पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, और हमारा कहनाम यही है, सच सामने आए, क्योंकि ये सर ऐसी घटना है कि मुझे कोई मेरे साथ वाला आया फोटो दिखाने के लिए, मैंने बोला प्लीज यार मैं नहीं देख पाऊंगा, तो मैं अभी जा रहा हूँ परिवार से मिलने। मेरा कहनाम इतना ही है कि सच सामने आए, निर्दोष न फंसे लेकिन दोषी न बचे, मैं यही कहूँगा। परिवार के लोगों के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि 11 तारीख को घटना होती है, इसके बाद प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है, पुलिस के स्तर से उस तरह से कार्य नहीं किया गया, घटना भी सामने आ चुकी है, इसके बाद भी पुलिस के स्तर से काम नहीं किया जा रहा है, इसे आप कैसे देख रहे हैं जो परिजन के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं पुलिसिया कार्रवाई को लेकर? सर प्रशासन द्वारा जो समय मिला है उसमें अभी समय बाकी है, तो देखते हैं, अभी समय है तो सर अभी मैं इस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता। अच्छा, एक बेटी जब पढ़ने के लिए घर से निकलती है, जो जिस स्थिति में उसे होना चाहिए, क्या लगता है कि वो स्थिति बिहार में बनी हुई है? क्या इसको लेकर कुछ बड़े पैमाने पर मुहिम चलाने की ज़रूरत है ताकि जो बेटी है घर से जब निकलती है पढ़ने के लिए वो सुरक्षित पढ़ने का जो संस्थान है वहाँ जाए, वहाँ से वापस आ जाए, कुछ इस तरह के मुहिम चलाने की ज़रूरत है? बिल्कुल सर, कौन नहीं चाहता है कि हमारे समाज में अच्छाई हो, हर कोई सेफ रहे, सुखी रहे और हंसता रहे। मैं उस लड़की के पिता का, उनका नाम शायद अभय जी है, वो उस पिता के मुंह से जब हमने सुना ना कि मैंने अपने बच्ची को इतना से इतना किया है, तो मुझे पता है कि एक पिता का दर्द क्या होता है और एक माँ का दर्द क्या होता है। इसके बाद मैं उनका इंटरव्यू मैं खुद ही नहीं देख पाया, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। सर मैं आया हूँ, बस यही है, सच्चाई सामने आए, हम लोगों का यही कहना है। माहौल लगातार टेंस होते जा रहे हैं, जिस तरह से धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस तरह से नारेबाजी हो रही है, माहौल लग रहा है कि कुछ विकट परिस्थिति की ओर जा रहा है, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? लोगों से हम यही कहेंगे कि देखिए, सुख दुख में मैंने जब यहाँ पे अपना दौरा किया तो मैंने यही बोला कि मैं हर किसी के सुख दुख में खड़ा हूँ और खड़ा मिलूँगा। लोगों से हम यही कहेंगे, मैं लोग नहीं कहता हूँ सर, मैं तो भगवान कहता हूँ, मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने ऑडियंस का आशीर्वाद हूँ, हम लोग मिलजुल के रहें, एक रहें, तो शायद कोई चाह के भी अगर जिसके मन में कुछ आ भी जाता है ना, तो वो सोच। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।